सुपरस्टार्स की हर फिल्म वैसे तो अपने आप में ही खास होती है, लेकिन अगर ये फिल्म किसी दूसरी फिल्म से टकरा जाए तो फैंस की एक्साइटमेंट अपने आप ही बढ़ जाती है। 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दो सुपरस्टार टकराने जा रहे हैं, दो ऐसे हीरो जो सुपर हीरो हैं और जिनके लाखों नहीं करोड़ों फैंस हैं। और कमाल की बात ये भी है कि इस टक्कर से पहले दोनों की हालत एक जैसी है, जिसको अगर सही सही बयां किया जाए तो ये हालत बहुत खराब है। शाहरुख की पिछली फिल्में दिलवाले और फैन जहां फ्लॉप रही है, तो वहीं ऋतिक की मोहनजोदारो भी बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांग पाई थी। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों को एक अदद हिट की जरूरत है और दोनों की उम्मीदें 25 जनवरी पर टिकी हुई हैं। जब भी दो बड़ी फिल्में टकराती हैं तो नुकसान दोनों को होता है और ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब दो बड़ी फिल्मों की टक्कर हुई और दोनों ही हिट हो गई। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि रईस वर्सेस काबिल की टक्कर में शाहरुख और ऋतिक दोनों को नुकसान तो होना ही है, लेकिन एक का करियर चौपट भी हो सकता है। अगर शाहरुख की ये फिल्म फ्लॉप होती है तो ये तो तय हो जाएगा कि आने वाला वक्त उनका नहीं है, और अगर ऋतिक की फिल्म फ्लॉप होती है तो उनके लिए भी बॉलीवुड की डगर मुश्किलों भरी हो जाएगी। हालांकि दोनों एक्टर को उम्मीद है कि उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन भविष्य अपने आप में क्या समेटे हुए है ये तो कोई नहीं जानता है।